हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाइटिशियन मनीषा न्यूट्री फिट यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम कुछ ऐसी आदतों के बारे में जानने वाले हैं जिस वजह से आपकी किडनी पर बहुत बुरा असर गिर सकता है। आरोग्यम धन संपदा, ये सबको पता ही है। अगर आपका शरीर तंदुरुस्त है तो निश्चित ही आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका लाइफस्टाइल, आपका खान पान का तरीका ये भी सही है तो आपको जीवन में कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। जैसे देखा जाए तो बॉडी का हर एक पार्ट महत्वपूर्ण होता है, लेकिन डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन ये हमारे शरीर के बहुत ही नाजुक अंग होते हैं। इसमें और एक नाजुक अंग होता है किडनी, और अगर हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है तो इन सभी बॉडी पार्ट्स पर बहुत ही बुरा असर गिर सकता है। और इन्हीं पार्ट में का महत्वपूर्ण भाग होता है किडनी। तो किडनी हमारे शरीर के लिए जैसे हमारा हार्ट है और बाकी ऑर्गन्स है, उसी तरह किडनी भी है, जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, जो कि हमारी शरीर को डिटॉक्स करता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है और एक अहम भूमिका जो है वो हमारे शरीर में निभाता है। इसलिए उसकी सही केयर करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि सही मायने में हम अपनी किडनी का अच्छा ख्याल रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और किस वजह से हमारी किडनी जो है वो डैमेज हो सकती है। अगर आपने शरीर में संतुलन नहीं रखा तो बॉडी के न्यूरॉन, मसल्स और बॉडी सेल्स डैमेज हो सकते हैं। इसके साथ ही हमारी किडनी भी डैमेज हो सकती है। अपनी कुछ खराब आदतों की वजह से किडनी पर बुरा असर गिरकर किडनी खराब हो सकती है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या है वो बातें, या फिर क्या क्या हमें अवॉइड करना चाहिए जिससे कि हम अपनी किडनी का ख्याल रख सकते हैं। सबसे पहले तो आता है पेन किलर। पेन किलर का अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी पेन किलर जो है वो हर एक मेडिकल स्टोर पे आपको उपलब्ध रहता है, और जब भी आपको कुछ बॉडी पेन हो या फिर कुछ बुखार वगैरह आ जाता है तो आप जल्द से मेडिकल स्टोर जाकर पेन किलर लाकर खा लेते हैं, तो उससे आपको थोड़ी देर के लिए तो आराम मिल सकता है। लेकिन अगर ये पेन किलर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो उस वजह से आपकी किडनी पर असर होकर आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। विटामिन्स की कमी। अगर आपके खाने में विटामिन्स की कमी है, यानी आपके भोजन में आप यानी विटामिन्स रिच वाला फूड नहीं लेते हैं तो उस वजह से भी अपनी किडनी पर असर हो सकता है। ये आपकी किडनी को तंदुरुस्त रखने में बहुत ही फायदेमंद होता है और ये आपको नेचुरल मिल सकता है। अगर आप डेली धूप में 15 मिनट जाते हो तो उससे आपके शरीर के लिए आवश्यक विटामिन डी मिल सकता है और आपकी किडनी का बचाव हो सकता है। प्रोसेस फूड जो है वो यानी थोड़ी देर के लिए तो हमें चटपटा खाने का आनंद देता है, लेकिन इसका सेवन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हो तो इसमें जो ज़्यादा शक्कर, नमक और फॉस्फोरस रहता है उस वजह से हमारी किडनी पर इफेक्ट होकर हमारी किडनी डैमेज हो सकती है। इसलिए प्रोसेस फूड का इस्तेमाल जो है वो कम से कम होना चाहिए। वाटर इंटेक यानी पानी का इस्तेमाल, मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि पानी का इंटेक सही होना चाहिए, हमारी बॉडी हाइड्रेट रहनी चाहिए, बट बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जो दिन भर में बहुत ही कम पानी पीते हैं, और अगर आप कम पानी पीते हो तो उस वजह से भी आपको यूरिन इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन हो सकता है, जिस वजह से भी आपकी किडनी पर असर हो सकता है। इसलिए डेली 10 से 11 ग्लास पानी पिए, अपनी किडनी को हाइड्रेट रखें। अगर आपके लाइफस्टाइल में अगर आप कसरत नहीं करते हो, एक्सरसाइज का भी मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि कसरत आपको करनी है, एक्सरसाइज आपको डेली करनी है, बट अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो उस वजह से भी आपका डाइजेशन स्लो हो सकता है, परिणाम एक्सक्रीशन पर दिखाई देता है, इस वजह से पेट भी साफ नहीं होता है और यूरिन इन्फेक्शन होने की समस्या बढ़ जाती है, किडनी स्टोन की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए आप अगर डेली एक्सरसाइज करते हो तो निश्चित ही आपकी किडनी बच सकती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर आपकी लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंटरी है, आप दिन भर घर पर बैठकर काम करते हो तो उस वजह से भी आपकी किडनी पर असर हो सकता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल आजकल रहती है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हम बहुत देर तक एक जगह पर बैठकर काम करते रहते हैं, और इस वजह से ऐसा होता है कि हम अपने पेशाब को जाने के लिए भी
यानी देर से जाते हैं, जिस वजह से हमारे ब्लैडर पर प्रेशर आता है और उसकी नसें जो है वो कमज़ोर हो जाती है, डैमेज हो जाती है और यूरिन सेंसेशन कम हो जाता है, जिस वजह से हमारी किडनी पर असर होता है, किडनी में इन्फेक्शन होता है। तो इन सभी चीज़ों को टालने के लिए हमारा डेढ़ या दो, यानी जब जब आपको यूरिन आता है तो आप पेशाब करने के लिए ज़रूर जाए, उसको ज़्यादा देर तक रोक कर ना रखे। धूम्रपान, बहुत सारे लोगों को सिगरेट स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये आदतें रहती है, अगर आपको ज़्यादा ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की आदतें हैं तो उस वजह से भी आपकी किडनी पर असर हो सकता है और आपकी किडनी डैमेज होने का एक रीज़न हो सकता है। नमक का ज़्यादा सेवन, अगर आपके खाने में नमक ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आपको खाने में ऊपर से नमक लेने की आदत है, तो इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने से भी आपकी किडनी पर प्रेशर आकर आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। नॉनवेज फूड का ज़्यादा सेवन, अगर आपके खान पान में ज़्यादा नॉनवेज फूड रहता है तो उस वजह से आपका एसिड लेवल बढ़ जाता है, जिस वजह से आपकी यूरिन में जलन हो सकती है और आपकी किडनी पर भी इसका बहुत ही टॉक्सिक इफेक्ट आपको दिखाई दे सकता है। तो ये रही कुछ बातें जिस वजह से आपकी किडनी पर असर होता है। तो अभी ये सिंपल आदतें हैं जो कि आपको ध्यान से सुननी है और इस पर गौर करना है ताकि आपकी किडनी का बचाव हो सके, आप अपनी किडनी को तंदुरुस्त रख सके। और तंदुरुस्त रखने के लिए आपको थोड़ी सी आपकी आदतें जो है वो बदलनी है। आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ वो भी मुझे बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करें, इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।